अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कीवर्ड सर्च, के चैट जीपीटी के थ्रू हमने फ्री में कीवर्ड सर्च कैसे करनी है, ठीक है, विद सीपीसी कीवर्ड डिफ़िकल्टी एंड सर्च वॉल्यूम। तो चैट जीपीटी पे आने से पहले आपने क्या काम करना है, आपने आना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। वहाँ पर आने के बाद आपने ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, उसको एक्टिव कर लेना है। AIPRM इसका नाम है, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक्टिव किया हुआ है। इसको आपने भी अपने क्रोम ब्राउज़र में इसको एक्टिव कर लेना है। जब आप इसको एक्टिव करने के बाद अपने चैट जीपीटी पे आएंगे तो आपको आपके पास इस तरह का इंटरफेस ही हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, अब कीवर्ड सर्च पे चलते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना आर पे, आर पे क्लिक करने के बाद SEO पे क्लिक कर देना है। SEO पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कीवर्ड्स आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो ये सारे प्रॉम्प्ट जो हैं वो शो हो रहे होंगे इसी रिलेटेड, ठीक है। ये ना नीचे कीवर्ड सर्च के रिलेटेड सारे प्रॉम्प्ट जो हैं वो शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे चेक करते जाना है जिसमें भी आपके पास वो आपको बता रहा होगा कीवर्ड सर्च, सर्च वॉल्यूम और CPC वगैरह बता रहा होगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है प्रो कीवर्ड सर्च। मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया प्रो कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। इसमें वो हमें बता रहा है डिस्कवर द बेस्ट कीवर्ड विद SV सर्च वॉल्यूम CPC KD एंड टाइटल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये हमें कह रहा है कि अपना जो है वो आप कीवर्ड दें, ये मैं इसको अपना कीवर्ड दे रहा हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इंटर कर देना है। अब इंटर करने के बाद वो हमें बता रहा है कि हर आर 50 रेलिवेंट कीवर्ड, ये हमें सर्च वॉल्यूम के साथ बता रहा है, साथ CPC भी बता रहा है, साथ इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बता रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपको सिर्फ सिंगल क्लिक में कीवर्ड डिफ़िकल्टी, CPC और सर्च वॉल्यूम भी मिल रहा है, ठीक हो गया, बिना किसी पेड टूल के। तो ये एक मिनट का भी नहीं काम, आपने देखा होगा कि सिर्फ कुछ सेकंड ही लगे हैं, मैंने सिंगल क्लिक में आपको ये 50 कीवर्ड्स निकाल के दे दिए हैं, जो हमें बता रहे हैं इसका वॉल्यूम बता रहे हैं, इसका CPC बता रहे हैं, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बता रहे हैं और साथ इसका टाइटल भी हमें दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फाइबर पे आना है, ठीक है। फाइबर पे आके आपने सर्च करना है कीवर्ड रिसर्च। फाइबर पे आपको लाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, ये एक दो मिनट की, ये जो एक दो मिनट में जो हमने काम किया है इसकी सर्विस दे रहे हैं कितने डॉलर में, यही सिर्फ आपको शो करवाना है, ठीक है। कि लोग जो हैं वो एक सिंगल क्लिक के बदले कितनी कितनी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। अब ये बंदा 26,949 जो है वो PKR में 20 कीवर्ड दे रहा है, ठीक है। मोस्ट सूटेबल कीवर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटर ओवरव्यू, इसके साथ वो ओवरव्यू और कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करके दे रहा है, ठीक हो गया। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको बताने का मकसद कि 20 कीवर्ड्स जो हैं वो दे रहा है अपने क्लाइंट को। ये बंदा क्या कर रहा है, ये दे रहा है 15 to 20 की 20 कीवर्ड दे रहा है प्लस 2 कॉम्पिटिटर, ठीक है। 3,000 इसके इसने अपना बेसिक पैकेज का जो है वो रेट रखा हुआ है, ठीक है। तो चैट GPT के थ्रू जो है वो लोग कीवर्ड सर्च भी करके फाइवर पे सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसमें वो CPC सारा कुछ, कीवर्ड वगैरह सारा कुछ बता रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने एक्सेल में, यहाँ पे आपने आप पेस्ट कर देना। ये आपके पास आपको इसने बना के दे दिए हैं, ये 17 कीवर्ड हैं, लेकिन आप अगर उसको मज़ीद कीवर्ड बोलोगे तो वो मज़ीद कीवर्ड निकाल के दे देगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास आपको पता नहीं है कि मेरी नीच कौन सी है, मैंने नीच आपको नीच सेलेक्ट करनी नहीं आ रही, नीच बोलते हैं कैटेगरी को, अगर आपको वो सिलेक्ट करनी नहीं आ रही, आपने क्या करना है, वापस यहाँ पर आ जाना है, नीच यहाँ पर लिख देना है नीच फाइंडर।
ये यहाँ पे आ गया एस यू नीचीज एंड सब नीचीज, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपनी कोई भी नीच लिख दो, मेरी वो ट्रैवल थी, मैं इसलिए उसको ही कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रैवल लिखा, ट्रैवल लिखने के बाद मैंने इस पर इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ये हमें उसी ही नीच के रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारी नीचेज निकाल के दे देगा। विद इन वन क्लिक जो है वो इसने हमें सब नीचेज निकाल के दे दी, ट्रैवल के अंदर कौन कौन सी नीचेज हैं, ठीक है। ये सारा इसने हमें डाटा जो है वो निकाल के दे दिया। तो मैक्सिमम हमारे एक से दो मिनट में हमें हमें जो है हमारी नीच मिल गई, हमें उसके रिलेटेड जो है वो हमारे कीवर्ड मिल गए हैं, ठीक है। तो ये 2 मिनट का काम है, और ये 2 मिनट के काम के लोग यहाँ पे आपके सामने कितने कितने चार्ज कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस और कॉम्पिटिटर ओवरव्यू जो है वो कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।